इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में ट्रैम्प की स्पीड 400 एंड स्क्रैम्बलर 400 एक्स को काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। 10,000 से ज्यादा बुकिंग्स इन दोनों की हो चुकी थी, वो भी 10 दिन के अंदर। इन दोनों की सक्सेस के बाद 400 सीसी सेगमेंट में ट्रैम्प एक और बाइक लाने वाला है जिसका नाम है टाइगर 400, जो कि एक एडवेंचर बाइक है। दिखने में ये बाइक ट्रैम्प एडवेंचर सीरीज की बाकी बाइक जैसा ही होगा, कुछ हद तक टाइगर 850 की तरह। टाइगर 400 में कुछ सिमिलर फीचर्स आपको देखने को मिलेगा जो कि स्क्रैम्बलर 400X में भी अवेलेबल है, जैसे कि ट्विन बैरल एग्जॉस्ट, स्पोक स्टाइल्ड अलॉय व्हील्स, गोल्डन फिनिश्ड फ्रंट यूएसडी फॉक्स। टाइगर 400 में आपको शार्प एलईडी हेडलैम्प देखने को मिलेगा, उसी के साथ बड़ा सा विंडशील्ड, हैंड गार्ड्स, स्कल्प्टेड फ्यूल टैंक, डुअल चैनल ABS, और एक चीज जो इस बाइक को बहुत ही ज्यादा हाईलाइट करने वाला है वो है इसका ग्रे स्केल कलर थीम। पावर फिगर की बात करें तो टाइगर 400 में आपको स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X वाला ही इंजन मिलेगा 398.15 सीसी का 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ, जो पावर जनरेट करता है 39.5 BHP और 37.5 NM ऑफ टॉर्क का। लॉन्च होने के बाद ये बाइक डायरेक्ट कंपटीशन देने वाला है BMW G310 GS, KTM 390 एडवेंचर, रॉयल एनफील्ड हिमालयन जैसे एडवेंचर बाइक को। और आखिर में प्राइसेस की बात करें तो वो अभी तक ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया है। इस बाइक की प्राइस क्या हो सकता है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। बात करें लॉन्च होने की तो इस साल तो नहीं, पर अगले साल तक ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकती है। तो भाई आज की ये वीडियो यही तक है। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, वरना आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।